जी नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम भगवानपुर में हैं और वह भगवानपुर में शिक्षा की मंदिर है। इस मंदिर में हमारे साथ एक सर जो मुलाकात हो गई है, विकास रंजन। और विकास रंजन जी से मैं बात करना चाहता हूँ, और ये बहुत दिनों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, और यह जो है डार्विन्स बायोलॉजी क्लास चलता है, जो कि यह है भगवानपुर में और बिहार जलपान के जो गली आता है साइड से, वही गली जो सीधे आता है वह डार्विन्स क्लास के सामने ही है। तो सर से बात करेंगे। सर, अरविंद स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे यहाँ आए हैं और हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि आप यहाँ क्लास कब से पढ़ाते हैं? पिछले 5-6 सालों से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, 5-6 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आप क्या देते हैं? 100% रिजल्ट हमारे यहाँ होता है बच्चों का, और काफ़ी सेटिस्फेक्शन होता है बच्चों में। अच्छा, एक चीज़ और है, जो डार्विन्स बायोलॉजी नाम रखे हैं, यह नाम रखने का प्रोपस क्या है? देखिए, नाम रखने से पहले हमने काफ़ी सोचा समझा, इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम एक बड़े वैज्ञानिक बायोलॉजी के हैं चार्ल्स डार्विन्स, जो नेचुरलिस्ट थे, और उन्होंने बताया था कि जीव जो है, बहुत तरह के लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट था, अलग अलग मानना था, लेकिन बहुत बड़े सवालों का इन्होंने जवाब ढूंढा, और उन्होंने बताया कि सभी जीवों का जो ओरिजिन है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस कारण मैंने देखा कि चार्ल्स डार्विन्स के नाम से ही अपने संस्थान का नाम रखा जाए। और अच्छा, यह लाइन है शिक्षा के माध्यम से विकास। एकदम विकास। एक मिनट सर, शिक्षा के माध्यम से विकास, डार्विन्स बायोलॉजी, और 11th 12th जो 11th 12th के बच्चा है वह बायोलॉजी का तैयारी स्पेशल आप कराते हैं? जी, स्पेशल हम बायोलॉजी की तैयारी कराते हैं, और इसके साथ जो नीट के स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहते तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हम स्पेशल बैच लगाते हैं, उसके बोर्ड और नीट की तैयारी करवाते हैं। अच्छा सर, तो आप कहाँ से पढ़ के आए हैं कि यहाँ भगवानपुर में ही है, पटना में क्यों नहीं? देखिए, हमारी जो पढ़ाई हुई है वो कोटा से हुई है, वहाँ पर मैंने पिछले 3-4 साल वहाँ पर तैयारी मैंने किया था नीट का, लेकिन नहीं होने के बावजूद मैं अपने गृह जो शहर है हमारा मुजफ्फरपुर है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद डॉक्टर नहीं बन पाया हूँ, तो मैं क्यों ना जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे आते हैं उनके सपनों का साकार करूँ, और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको मैं नीट की तैयारी कराता हूँ। सर, आपका सोच बहुत अच्छा है, लेकिन आप गरीब बच्चों के लिए क्या फी में छूट रखे हैं क्या? जी ज़रूर, हम लोग गरीब जो बच्चे होते हैं जो एफर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको ज़रूर मैं कंसेशन करता हूँ, ठीक है, काफ़ी कोऑपरेट करता हूँ लोगों को। अच्छा, तो गरीब बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो कि पैसे अधिक लेते हैं, गरीब और अमीर नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ विकास रंजन सर है, वह गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए मुजफ्फरपुर में, इन्होंने कोटा से तैयारी किया और मुजफ्फरपुर में बच्चे को योगदान दे रहे हैं, और यहाँ शिक्षा के माध्यम से इनका जो स्टेटस है वह शिक्षा के माध्यम से विकास, यानी शिक्षा के माध्यम से जो विकास कर रहे हैं, और यहाँ जो बच्चे हैं पढ़ने आते हैं वहाँ बायोलॉजी का स्पेशल क्लास करते हैं, और उसमें भी जो बच्चे गरीब तबके के हैं उनके लिए भी छूट है यहाँ पे। तो गरीब बच्चे जो हैं उनका आप क्या कैसे रखे हुए हैं कि पेमेंट कैसा मतलब एक बार लेते हैं या दो बार में पेमेंट लेते हैं, वह सक्षम नहीं है तो किस तरह से पेमेंट आपको देते हैं? देखिए, तरह तरह के बच्चे होते हैं, उसमें हम लोग का जो पेमेंट का जो स्लॉट बना हुआ है उसमें 2 इंस्टॉलमेंट पर जनरली लोगों को पैसा लेते हैं, जिसमें 3500 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद 2500 है। और अच्छा, कोर्स आप कितना दिन में तैयारी करा देते हैं? कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 8 मंथ का होता है, हम लोग 8 मंथ में कंप्लीट करते हैं कोर्स को, ठीक है। हाल ही में हम एक नए कोर्स लेकर के आ रहे हैं, क्रैश कोर्स,
जिसमें हम प्रिंटेड डीपीपी वगैरह देंगे बच्चों को, फुल तैयारी कराएंगे उसमें बच्चों को हम। अच्छा, नोट्स तैयारी कराते हैं या नोट्स अपना से बनाया हुआ बच्चे को देते हैं? बच्चा को हम नोट्स लिखाते भी हैं और नोट्स तैयार करके देते भी है, ताकि बच्चों को समझने में सीखने में सहूलियत हो, वो अपने अनुसार जो चाहता है वो कर सकता है। तो आइए आप लोग डार्विन्स बायोलॉजी में और विकास सर से पढ़िए, 11th और 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो, और आपके शहर मुजफ्फरपुर में है, और यहाँ से तैयारी करिए। और सर ने हमको इतना वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। और सर अंतिम क्षण में, यानी क्या बच्चे को संदेश देना चाहते हैं? बच्चे को यही संदेश देना चाहेंगे कि आजकल के समय में डेविएशन ज़्यादा है बच्चों में, जो डेविएशन नहीं हो अपने मतलब स्टडी है उसके प्रति फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारा स्लोगन ही है, शिक्षा के माध्यम से विकास। अगर मनुष्य में विकास संभव है तो वो शिक्षा ही है, एक ऐसा मार्ग है जिससे लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स, सब चीज़ शिक्षा से ही संभव है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।